हेडिंग दीजिएगा मेरे साथ, हेडिंग दीजिएगा। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, आपको मालूम है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? आपने नाम सुना है कन्वर्टिबल डिवेंचर का? देखिए, कन्वर्टिबल डिवेंचर में डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है कि अगर डिवेंचर होल्डर चाहे तो मैच्योरिटी पर, यानी रिडेम्पशन के टाइम पर, डिवेंचर होल्डर चाहे तो वो कैश में अपने डिवेंचर को रिडीम करा सकता है, या अगर वो चाहे तो वो एक्सचेंज करा सकता है, यानी डिवेंचर देकर कंपनी के इक्विटी शेयर रिसीव कर सकता है। यानी डिवेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? इक्विटी शेयर्स में। इसलिए इन डिवेंचर्स को कन्वर्टिबल डिवेंचर का नाम दिया जाता है। अब अगर क्वेश्चन कन्वर्टिबल डिवेंचर से रिलेटेड दे रखा हो तो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कंप्यूट की जाती है, वो कॉन्सेप्ट हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। कन्वर्टिबल डिवेंचर, आपको मतलब समझ आया? चलो लिखते हैं इस बात को। कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या है, पहले इसी बात को लिख लेते हैं। लिखिए, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर डिवेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, फुल स्टॉप। कन्वर्टिबल डिवेंचर कौन से डिवेंचर्स हैं जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में, फुल स्टॉप। कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर्स हैव ऑप्शन टू रिडीम देयर डिवेंचर्स फॉर कैश और टू एक्सचेंज देयर डिवेंचर्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यही बात मैंने आपको बताई। कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है कि चाहे तो अपने डिवेंचर को कैश में रिडीम करा लें कंपनी से, और चाहे तो वो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लें। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। चलो, वो जो भी कंपनी अलाउ करती है, कि मान लीजिए कंपनी ने कहा कि एक डिवेंचर के बदले 5 शेयर दिए जाएंगे, तो हर डिवेंचर के बदले 5 शेयर मिलेंगे, वो स्पेसिफाइड नंबर हो गया इक्विटी शेयर्स का। आगे लिखिए, हमें बात करनी है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की। ये लीजिए, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर इज कंप्यूटेड लाइक द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। मतलब कन्वर्टिबल डिवेंचर की कॉस्ट बिल्कुल सेम ऐसे निकाली जाती है जैसे रेडीमेबल डिवेंचर की कॉस्ट हमने निकालनी सीखी थी। तो रेडीमेबल डिवेंचर तो आपको पता है ना कैसे निकालते थे, लेकिन बात आती है कि सर रेडीमेबल वैल्यू क्या होगी यहां पर।
रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहां पर तो हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। लिखो फुल स्टॉप, आगे लिखिए, टू अराइव एट रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कॉमा, इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द डिबेंचर होल्डर्स, ऑल द डिबेंचर होल्डर्स विल चूज द ऑप्शन विच हैज हायर वैल्यू। एंड accordingly it is considered to calculate cost of debt। बात समझ आई क्या? जब रिडीमेबल डिबेंचर की तरह इनकी कॉस्ट निकाली जाएगी तो हमें रिडीमेबल वैल्यू चाहिए होगी। रिडीमेबल वैल्यू निकालने के लिए यह एज्यूम किया जाता है कि सारे डिबेंचर होल्डर वो ऑप्शन चूज करेंगे जिस ऑप्शन से वैल्यू ज्यादा आएगी। सर, जिस ऑप्शन से वैल्यू ज्यादा आएगी मतलब दो ऑप्शन, कौन से ऑप्शन है उनके पास? वो चाहे तो अपने डिबेंचर के बदले कैश ले लें, दूसरा ऑप्शन वो चाहे तो अपने डिबेंचर के बदले इक्विटी शेयर्स ले लें। तो आप ये देख लीजिए कि कैश से उन्हें ज्यादा अमाउंट मिलेगा या जो इक्विटी शेयर मिलेंगे उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, डिबेंचर होल्डर क्या चाहेगा? ज्यादा वैल्यू से रिसीव हो। तो आप ये देख लीजिएगा कि कैश में ज्यादा अमाउंट मिल रहा है एक डिबेंचर के बदले या इक्विटी शेयर जो मिल रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है। जो ज्यादा होगा वो वैल्यू रिडीमेबल वैल्यू ली जाएगी और कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर निकालते समय उसे कंसीडर किया जाएगा रिडीमेबल वैल्यू की जगह। समझ आएगी बात? एक बार पढ़ लो जरा फिर से। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर्स हैव ऑप्शन टू रिडीम देयर डिबेंचर्स फॉर कैश और टू एक्सचेंज देयर डिबेंचर्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। द कॉस्ट ऑफ, यहां पर ऑफ और लिखिए, द कॉस्ट ऑफ, पता चला आपको यहां पर ऑफ नहीं लिख पाया था मैं, ये देख लो, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इज कंप्यूटेड लाइक द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। टू अराइव एट द रिडीमेबल वैल्यू कॉमा, इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द डिबेंचर होल्डर्स विल चूज द ऑप्शन विच हैज हायर वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली इट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। ध्यान रहेगी बात। देखो मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 51 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 ये देखिए, ये रहा, ध्यान से पढ़ना। क्या लिखते हैं? टीटी लिमिटेड इशूड 10,000 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच विद ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। 100 रुपए वाले 10,000 डिबेंचर 5 साल के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पर इन्होंने इशू किए। कैसे डिबेंचर हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर। एट मैच्योरिटी The डिबेंचर होल्डर्स विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इंटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:10। क्या मतलब है 1:10 का? 10 shares फॉर ईच डिबेंचर। कह रहे हैं मेच्योरिटी पर, यानी 5 साल बाद डिबेंचर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो अपने कन्वर्टेबल डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं जिसमें उन्हें हर डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे। क्लियर है? फिर से पढ़ लो।
At maturity, the debentures holders will have the option to convert the debentures into equity shares of the company in the ratio of 1:10, that is 10 shares for each debenture. ठीक है. The current market price of the equity share is rupees 14 each, and historically the growth rate of the shares are 5% per annum. ध्यान से सुनना, कह रहे current market price of share, आज share की वैल्यू 14 रुपए है. आज थोड़ी ना डिबेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर मिलने हैं, वो तो 5 साल बाद मिलने हैं. आज शेयर की वैल्यू 14 रुपीज है, 5 साल बाद क्या होगी वो चेक करना पड़ेगा हमें. क्या कहते हैं, हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर्स आर 5% पर एनम. शेयर के प्राइस में जो ग्रोथ देखी जाती है हिस्ट्री से, हिस्टोरिकली कह रहे हैं 5% पर एनम की ग्रोथ है. यानी शेयर का प्राइस पास्ट ईयर्स में हर साल 5.5% बढ़ता आ रहा है. तो आज अगर शेयर का प्राइस 14 रुपी है, तो अगर 5% हर साल बढ़ता है तो 5 साल बाद क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट. कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालिए 35% का टैक्स रेट लेते हुए. ये लो, स्टार्ट करते हैं. ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फेस वैल्यू इक्वल टू रुपीज 100. कोई आपको ये तो बताया ही नहीं है यहां पर कि डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है या प्रीमियम पर. देखो यही 100 रुपी दे रखा था बस. तो यही हमारा क्या रहेगा, नेट प्रोसीड भी यही रहेगा. मैं लिख देता हूं यहीं पर, लीजिए ओब्लिक एनपी, यही हमारा नेट प्रोसीड है. इंटरेस्ट दैट इज आई, 100 का 12% दैट इज रुपीज 12. लाइफ क्या है डिबेंचर की, लाइफ ऑफ डिबेंचर 5 years. टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या था, 35 देख लेते हैं. हां जी ये रहा 35%. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर. अब रिडीमेबल वैल्यू निकालने का काम क्या है, हमें शेयर से निकालना पड़ेगा. जरा एक बात बताओ, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या दे रखा है, रुपीज 14. ग्रोथ रेट क्या दे रखी है, फाइव परसेंट पर एनम. एक बात बताइए, अगर आज शेयर का प्राइस 14 रुपए है, हर साल 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 साल बाद. ये लीजिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर 5 years कैसे निकालें बताओगे जरा. 5% बढ़ा दो, देखो कैसे बढ़ा सकते हैं. कैलकुलेटर पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो जरा ध्यान देना, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर, ध्यान से, अभी जो 14 रुपए है प्लस 5%, करो जरा कैलकुलेटर पर, 14 प्लस का साइन दबाओ प्लस 5%, फिर प्लस 5% ये दूसरे साल के लिए, फिर प्लस 5% तीसरे साल के लिए, प्लस 5% 4 साल के लिए, प्लस 5% 5वें साल के लिए. देखना बताना जरा, ये कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं मैं. तो मैंने क्या कहा, 14 प्लस 5% 1, प्लस 5% 2, प्लस 5% 3, प्लस 5% 4, प्लस 5% 5, क्या हो जाएगा 17.8679 है, 8 ही लिख देते हैं. देखना यही आएगा कि नहीं. यानी हर बार हमें
5% बढ़ाना है। मैं इसे इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, देखो जरा प्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, अभी है 14, हमें 5% बढ़ाना है, तो हम इसे क्या करेंगे 0.05, 5% बढ़ाना जो हम कह रहे हैं ना, मैंने आपको बताया ना 14+5%, तो ये 14+5%, ये जो हम कर रहे हैं ना 1+0.05, ये इसमें 5% इंक्रीज करना हो गया। अच्छा कितनी बार इंक्रीज करना है हमें, 5 times, तो इसको यहीं पर इसकी पावर 5 लगा दो ना, आपको बात समझ आई कि नहीं, यहीं पर इसकी पावर 5 लगा दी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के अंदर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम वहां पर निकालना ही ये सीखेंगे कि आज की वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, या हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है तो उससे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो यहां पर इन्होंने आज का प्राइस दे रखा था, फ्यूचर प्राइस निकालना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आप खुद समझो, अभी 14 रुपीज है, उसमें 5% बढ़ा दो, 1 साल बाद की वैल्यू आ गई, 5% फिर बढ़ा दो, 2 साल बाद की आ गई, फिर 5% 3 साल, 5% 4 साल, 5% 5 साल बाद की वैल्यू आ गई। इसमें अब कॉन्सेप्ट की बात क्या है, तो हमने कहा क्या कहा, सीधा सीधा आप इस तरह कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा रुपीज 17.868, ये एक शेयर की वैल्यू होगी 5 साल बाद। एक शेयर के बदले एक डिबेंचर के बदले शेयर कितने मिलेंगे, 10 शेयर एक डिबेंचर के बदले मिलने वाले हैं। तो अब जरा ध्यान देना, हमें निकालना है रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ध्यान से सुन लेना, ये देखिए रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, एक डिबेंचर की निकालेंगे, तो दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कैश का, कैश इन्होंने बताया नहीं किस पर रिडीम कर सकते हैं, तो 100 रुपए पर रिडीम होगा, अगर कैश में रिडीम करेंगे तो 100 रुपए। दूसरा इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं डिबेंचर के बदले, इक्विटी शेयर्स, बताना कितने शेयर्स मिलेंगे, वैल्यू क्या होगी उनकी, 17.868, ये एक शेयर की वैल्यू है, इनटू एक नहीं कितने शेयर मिलेंगे, 10 शेयर मिलेंगे, तो कितनी आ गई वैल्यू 178.68। अब आप बताइए एक डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर के बदले क्या चाहेगा, वो 100 रुपए कैश में लेना चाहेगा या 178.68 के 10 डिबेंचर लेना चाहेगा, तो इनमें क्या देख लेंगे, इन दोनों में हायर क्या है, तो हायर क्या आ गया रुपीज 178.68, और ये क्या निकल कर आई है, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, रिडीमेबल वैल्यू निकल गई है, हमें केडी निकालना है, बताओ जरा कैसे निकालते हैं, आई 1-t प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय एनपी प्लस आरवी अपॉन 2 × 100। सारी फिगर्स आपको पहले से ही मालूम है, यहां पर फिल कर दीजिए 1-0.35 प्लस रेडीमेड वैल्यू हमने अभी निकाली 178.68, नेट प्रोसीड था 100 डिवाइड बाई एन हमें दे रखा था 5 years अपॉन में 100 प्लस 178.68 डिवाइड बाई 2 × 100। अब रह गई है सिर्फ कंप्यूटेशन, वो कंप्यूटेशन कर दो, 7.80 प्लस 15.736 डिवाइडेड बाय 139.34 × 100 कितना आ गया,
ये आ गया 16.89%। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट? कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर दे रखा हो तो उसमें हमें सिर्फ ये सीखना है कि रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। और देखो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी बना लिया है, आंसर चेक कीजिए जरा। ये रहा आंसर 16.89%। सिंपल था क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कुछ कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।